नमस्कार आपण मानक स्वागत जन आरंभ करकेला संवाद कोविड महामारी जनित स्थित को दृष्टि रखी आपण को मास्क सठिक रूपे पिंधिबा बारंबार हाथ धोइबा सामाजिक दूरता बजाय रखिबा एवं जनगहलीपूर्ण स्थानरु दूरे रहिबा भली कोविड युक्तियुक्त आचरण पालन करने को अनुरोध। आज मुख्य संवाद ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना माध्यम सेल आरएसपी रे सामाजिक सुरक्षा वृद्धि एवं दीपिका महिला संघति ठारे कोविड सचेतनता कार्यक्रम आयोजित। एबे संपूर्ण संवाद रे सेल राउरकेला इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा दिनरो एहार कर्मचारी कल्याण पई प्रतिबद्ध रही आसी। विगत दिनगुड़िक कर्मचारी उन्नततर सामाजिक निरापत्ता सुनिश्चित करने विभिन्न कल्याणमूलक पदक्षेप गुड़िकर क्रमगत नवीकरण एवं उन्नति करा। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जीपीएआईएस एभली एक प्रयास जहां कर्मचारी मृत्यु परे परिवार को सामाजिक सुरक्षा जोगाई थाए। एही क्रम जुलाई 28 तारीख में कार्मिक और प्रशासन विभाग निर्वाही निर्देशकों आलोचना प्रकोष्ठ में एक कार्यक्रम आयोजन करा। एथिरे कार्मिक और प्रशासन विभाग निर्वाही निर्देशक श्री पी के शतपथी ग्रुप पर्सनल दुर्घटना बीमा योजना जीपीएआईएस अंतर्गत 30 लाख टंकार बैंक ट्रांसफर हॉटस्ट्रिप मिल एक रो असिस्टेंट रोलर स्वर्गत सी केरकेटा विधवा पत्नी श्रीमती एन केरकेटा प्रदान करिथिले। एही अवसर में जीएम इनचार्ज पर्सनल वर्क्स श्री वीरेन्द्र कुल्लू एवं इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रो प्रतिनिधि मध्य उपस्थित थिले। सूचना योग्य जे दुर्घटना बीमा राशि मृत कर्मचारी परिवार को सामाजिक सुरक्षा जोगाई देबारे सहाय्य करिवो। स्वर्गत सी केरकेटा गत फेब्रुआरी 12 तारीख में पानपोस छक निकट में एक दुर्घटनार सम्मुखीन हो प्राण हरैथिले। आरएसपी रो श्रृंखलित व्यवस्था तांको पत्नी को आरएसपी माध्यम रे बीमा कंपनी ठारो धार्य बीमा राशि दाबी करिबारे सहाय्य कला एवं मात्र 1.5 मास मध्यरे तांकर प्राप्य होई परिले। आरएसपी रो कर्मचारी एवं सेमानकर परिवार सदस्यक पई ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जीपीएआईएस 2012 मसीह रे आरंभ करा जैतिला। मोट 12,963 जन कर्मचारी 7,737 जन जीवनसाथी एवं 9,293 जन पिलांक सहित पॉलिसी नाम पंजीकरण करिछंती। चलित वर्ष जीपीएआईएस पॉलिसी मेसर्स इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 2021 फेब्रुआरी 1 तारीख रु जनवरी 2022 अवधि प्रति लक्ष 17.95 टंका प्रीमियम राशि हार रे बीमाभुक्त होई। सेक्टर 2 स्थित दीपिका महिला जागृति संस्था ठारे एक कोविड सचेतनता कार्यक्रम अगस्त 2 तारीख में आयोजित होता। दीपिका महिला संघतिर पूर्वतन अध्यक्ष श्रीमती राका चटराज ए मुख्य अतिथि भाव जोगदेवा सहित अधिवेशन अध्यक्षता करते। अवसर में संघतिर उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन लता श्रीमती किरण सिन्हा श्रीमती सुमिता सृष्टिधर सामल एवं श्रीमती हिरणमयी शतपथी संपादिका श्रीमती नमिता महापात्र परिचालना परिषदर सदस्य तथा संघतिर अन्य सदस्य माने उपस्थित थिले। सदस्य मानंकु संबोधित करी श्रीमती राका चटराज कोविड जनित आह्वानमूलक समय सत्वे संघतिर विभिन्न कार्यधारा जथा उत्पादन जनमंगल कार्य एवं विभिन्न नूतन विकासमूलक कार्यकलाप भली विभिन्न प्रयास पई सदस्य और स्वेच्छासेवी मानंकु आंतरिक कृतज्ञता जणाइथिले। से समस्त सदस्य मानंकु परिवारर सुरक्षा दिगरे कार्य करिबाकु एवं अवश्यंभावी तृतीय तरंग को दूर करिबा पई कोविड प्रोटोकॉल पालन करिबारे सजग रहिबाकु परामर्श देथिले। श्रीमती चटराज सामाजिक विकास क्षेत्र रे सामाजिक मंच रे डीएमएस पई एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करिबा निमन्ते समस्तंकु आह्वान जणाइथिले। अधिवेशन समय रे बिगिनर्स एकेडमी रो पिला मानंक द्वारा प्रस्तुत कोविड संबंधी करणीय एवं वर्जनीय विषयवस्तु उपरे एक क्षुद्र वीडियो प्रदर्शित होइथिला। डीएमएस रो सदस्य श्रीमती मेघना चटर्जी कोविड उपरे तात्विक तथ्य प्रदान करथिले। एही कार्यक्रम को श्रीमती नमिता महापात्र परिचालना करथिले। संवाद प्रसारण आज पई एतिकी। नमस्कार।